ये जो नंगे पांव रोज घास पे चलना है, ये इतना एनर्जेटिक है आपके ब्रेन के डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, जो हम डोज बोलते हैं, उनके लेवल को सेट करते हैं। क्योंकि धरती एक हमारा मुख्य तत्व है जिस पर पूरा हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से खड़े होते हैं, तो इसमें एनर्जी हमें मिलती है और हम अपनी नेगेटिव एनर्जी को इसमें डिस्चार्ज करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी से अपने आप को चार्ज करते हैं। जिस तरह मोबाइल में चार्जर का अगर पिन लग जाए और ऑन हो जाए तभी वो चार्ज होगा, इसी तरह आज जानवर जो हैं वो धरती से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ना वो बीमार पड़ते हैं ना उनको कोई तकलीफ होती है। लेकिन इंसान बीमार भी पड़ता है, उसको तकलीफ भी होती है और बड़ी बड़ी बीमारियों पर उसका लाखों रुपए लग जाता है। आज अगर एक इंसान की पूरे जीवन काल की कमाई अगर वो एक महीना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो खत्म हो जाती है। तो ये मतलब क्या है इसके पीछे कि हम लोग अज्ञान हैं। अगर हर इंसान नियम से रोज सुबह 15 मिनट कम से कम नंगे पांव घास पर घूमे या मिट्टी पर घूमे तो जो एनर्जी मिलेगी, जो पॉजिटिविटी मिलेगी, ये आपको स्वस्थ रखेगी, आपको बीमार नहीं पड़ने देंगी। और जितने भी किडनी फेल के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, लीवर के फेल पेशेंट है, यानी कि कोई भी ऑर्गन फेलर के पेशेंट है जिनको गंभीर पेशेंट या क्रॉनिक पेशेंट बोल सकते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी में सेल्स टूट रहे हैं, सेल्स मर रहे हैं, नए नहीं बन रहे, तो नए सेल्स बनाने के लिए, एनर्जी पाने के लिए ये जो नंगे पांव धरती माँ की गोद में रोज चलना और इस पर लेटना, ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आप अपने घर के आसपास कोई भी पार्क ढूंढ लीजिए, कोई भी जगह ढूंढ लीजिए। और एक और मैं बताना चाहूंगा, जब भी वॉकिंग करनी है तो हम एक तो सीधी वॉक करते हैं, तो मैं बोलूंगा आप इसको 8 की वॉक में कीजिए, इस तरह 8 बनाइए आप यहाँ पे। उससे फायदा क्या होगा कि आपका घुटने, लिगामेंट, इनकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और रीढ़ की हड्डी का कोई रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। यानी कि घुटने का काम भी हो गया आपका, रीढ़ की हड्डी को भी ठीक कर लिया, मन और मस्तिष्क को नर्वस सिस्टम के साथ अलाइंड भी कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप नंगे पांव सुबह घास पे चलते हैं तो ये रामबाण काम करेगा, संजीवनी बूटी का काम करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। और योग करना बहुत जरूरी है, उसी तरह यहाँ नंगे पांव घास पे चलना भी उसी तरह उतना ही जरूरी है। धन्यवाद।